जोसा काउंसलिंग आखिरकार होता क्या है, जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, और जोसा काउंसलिंग कब से होता है, और जोसा काउंसलिंग के थ्रू कौन से कॉलेज हम लोगों को मिलता है, और कैसे मिलेगा सारा कॉलेज, कैसे हम जो है ये काउंसलिंग करें, पार्टिसिपेट कैसे करें इसमें, इस सारे सवालों का जो जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं जोसा काउंसलिंग होता क्या है। जोसा मतलब ज्वाइंट सीट एलोकेशन बोर्ड होता है, जिसके थ्रू जो है हम लोग NIT सिस्टम में, IIT सिस्टम में, और IIIT GFTI कॉलेजेज में जो है एडमिशन लेते हैं। तो जोसा का प्रोसेस क्या होता है, चलिए इस बात पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है अपना JEE मेंस का एग्जाम देना होता है, फिर JEE मेंस का रिजल्ट आता है, फिर JEE एडवांस का एग्जाम देना होता है, JEE एडवांस का रिजल्ट आता है, उसके बाद जो है जोसा का डेट निकलता है काउंसलिंग का, हम लोगों को उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर हम लोगों को जो है चॉइस फिलिंग करना होता है अपना रैंक के हिसाब से। जो भी आपका रैंक है आप कॉलेज सर्च कर लीजिए, उसमें उतना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, और वो सारा चॉइस फिलिंग करना होता है। आप इसमें जो है बहुत सारे कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर डाल सकते हैं। अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो ऊपर में डालिए, उससे अगर कम कोई कॉलेज अच्छा लगता है तो उसके नीचे डालिए, और आगे बाद आपका होगा क्या, चॉइस लॉक करना पड़ता है। और जैसे ही आप चॉइस लॉक करते हैं आपका जो है सीट अलॉटमेंट आता है। जैसे ही सीट अलॉटमेंट आता है कोई भी कॉलेजेस का आपको, तो आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का ऑप्शन। तो फ्रीज का ऑप्शन ये होता है अगर आपको उस कॉलेज में वही अगर आपको ब्रांच चाहिए तो फ्रीज चूज कर लीजिए और आपका वो सीट जो है कंफर्म हो जाता है। और अगर आप स्लाइड चूज करते हैं, आपको उसी कॉलेज में दूसरा ब्रांच चाहिए तो आप स्लाइड चूज करते हैं। और अगर आप फ्लोट चूज करते हैं उसमें होता क्या, आपको दूसरे कॉलेज मिलता है। तो अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो आप फ्लोट चूज कीजिए, और सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ऐसे करके जो सिक्स्थ राउंड तक होता है इसका, फिर आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। फिर जो है हम लोगों को अपलोड करना पड़ता है अपना सारा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, JEE मेंस का जो है आपको मार्कशीट लगता है, और जो है साथ में आपका जो भी 12th का मार्कशीट हो, 12th का TC वगैरह हो, ये सारा, और आपका जो है फिजिकल रिपोर्ट ये भी लगता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो आप रेडी रखें। सीट एक्सेप्टेंस फी होता है वो आपको पे करना होता है। फिर जो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो कॉलेज मिला हो उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है कोई, तो आप जो है नेक्स्ट CSAB काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो और जोसा काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है लगभग June 10 से। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको जो है हमारे थ्रू मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।